बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे कोयला फ़िश बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। घर में सिंपल तरीके से बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखिए, कोयला फ़िश को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फ़िश। फ़िश को लेकर मैंने लेमन, लहसुन, नमक लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके ड्राई कर ली थी, आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसका मसाला रेडी करेंगे, जहाँ पर एक मैं प्लेट लूँगी। प्लेट के अंदर सबसे पहले डालेंगे एक टेबल स्पून भरकर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब हम शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन, जहाँ पर मैं दो खाने के चम्मच भर कर डाल दूँगी लहसुन। लहसुन का इस रेसिपी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब शामिल करेंगे एक टीस्पून नमक। नमक को जहाँ पर ध्यान से डालेंगे, क्योंकि हमने फिश को पहले भी नमक लगा कर रखा था, तो एक टीस्पून मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसको शामिल कर देंगे। अब शामिल करेंगे एक टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। अजवाइन लगाने से फिश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब शामिल करेंगे एक टीस्पून भर का रेड मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह दड़ा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला। अब शामिल कर देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और दो खाने के चम्मच भर कर डाल देंगे फिश मसाला, जो हमारी फिश को चार चांद लगा देगा। शामिल करेंगे चार टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी फ़िश चटपटी रेडी होगी। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा थोड़ा सा थिक है, तो हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फ़िश का मसाला रेडी हो चुका है। हमारे घर में जब भी फ़िश बनाई जाती है, तो इसी तरीके से बनाई जाती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब हम मसाले को फ़िश के ऊपर लगाना स्टार्ट करेंगे। आप हाथों की मदद से या स्पून की मदद से सारी फ़िश को अच्छी तरह से मसाले से कोट कर देंगे, जहाँ पर मैं एक स्पून की मदद से सारी फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लगा दूँगी। यकीन माने, ये फ़िश इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप मेरे तरीके से एक बार फ़िश बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। इस तरह स्पून की मदद से सारी फ़िश को हम अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं फ़िश को इसी तरह मसाला लगा कर। मसाला लगाने के बाद फ़िश को आप जितनी देर के लिए ज़्यादा रखेंगे, उतनी ही आपकी फ़िश ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगी। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। ये देखें, जो बड़ा पीस था उसके अंदर मैंने एक कट लगा दिया, ताकि अच्छी तरह से मसाला अंदर तक रच बस जाए। इस तरह स्पून की मदद से दूसरी साइड पर भी अच्छी तरह से मसाले से कोट कर देंगे। फ़िश को मसाला लगाने के बाद चार से पाँच घंटा के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तकरीबन पाँच घंटे हो चुके हैं। कोयले को मैंने पहले से जलाकर अंगीठी के अंदर रख लिया था। अब हम फ़िश को ग्रिल के अंदर लगाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। देखें, इस तरह से ग्रिल के अंदर लगा कर कोयले को ऊपर रख देंगे। हल्की हल्की आँच पर इसको पकाएँगे 10 से 15 मिनट के लिए। एक साइड पर पकाने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और एक ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और साइड को चेंज कर लेंगे। और दूसरी साइड पर भी हम ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे और साइड को बदलते रहेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। दूसरी साइड पर भी एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। 10 मिनट के लिए एक साइड पर पकाएंगे और 10 मिनट दूसरी साइड को पकाएंगे। इस तरह से साइड को बदलते हुए इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। जी, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है।
फिश को पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो देखिए अब हम अपनी फिश को निकाल लेंगे एक ट्रे के अंदर, इस तरह से ग्रिल को खोलेंगे और ट्रे को रखेंगे और फिश को निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी फिश रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फिश हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह दूसरे पीस को भी हम ग्रिल के अंदर लगाकर अच्छी तरह से पका लेंगे। आप जितनी ज़्यादा हल्की आंच पर इसको पकाएंगे उतनी ही हमारी फिश ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे के अंदर सबसे पहले हम सलाद पत्ता लगाएंगे। सलाद पत्ता लगाने के बाद अब हम फिश को ट्रे के अंदर रखेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई। मेरे कहने पर आप एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम, मुंह में घुल जाने वाली फिश बनकर रेडी होगी। थोड़े लेमन के पीस रख देंगे, आप अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी फिश रेडी हो चुकी है। मैं धनिए पुदीने के रायते के साथ सर्व करूंगी, आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। जब पर मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई, आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम हमारी फ़िश बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फिश बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको जी आज की हमारी ज़बरदस्त कोयला फिश की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।